तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 26 मार्च। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सभी राशन कार्ड वालों को 5 लाख तक मुफ्त में फ्री में इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसको लेकर के बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। खबर के अनुसार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा है कि बिहार में राशन कार्ड धारकों को 5 लाख तक का फ्री में इलाज किया जाएगा। इस इलाज का खर्च बिहार सरकार के द्वारा उठाया जाएगा, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। जी हां, आपको बता दें कि सरकार के इस ऐलान से बिहार में राशन कार्ड धारकों को बड़ा फायदा होगा। इससे बड़ी संख्या में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार के इस नई पहल से गरीब परिवार के लोगों को काफी लाभ होगा। जहां मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार के 85 लाख राशन कार्डधारी परिवार आयुष्मान योजना से बाहर थे, जिन्हें आयुष्मान योजना की तर्ज पर ही चिकित्सा सुविधा राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार परिषद ने अपने आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौजूद हर मदरसे को कक्षाएं शुरू करने से पहले अन्य दुआओं के साथ शिक्षकों और अन्य छात्रों को मिलकर के एक साथ राष्ट्रगान गाना अनिवार्य किया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्यक्षता में बैठक गया। इसमें कई तरह के बड़े फैसले लिए गए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां देर रात करीब 12 बजे एक मालवाहक ट्रक सहित करीब 11 ट्रक गंगा नदी में डूब गए। एलसीटी जहाज पर गिट्टी से भरे 18 ट्रक लोड थे। झारखंड के साहेबगंज से निकले इस जहाज को 12 बजे कटिहार के मनिहारी घाट पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही जहाज के संतुलन बिगड़ने की वजह से 11 ट्रक नदी में गिर गए। यह जहाज झारखंड से गिट्टी भर करके ट्रकों को लेकर के कटिहार आ रहा था। दो ड्राइवर और खलासी किसी तरीके से तैर करके बाहर निकले, जहां उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती खलासी डी के पासवान ने बताया है कि जब जहाज मनिहारी घाट पहुंचने वाला था उससे पहले ही अचानक असंतुलित हो गया। इसके बाद उस पर लदे ट्रक एक एक करके गंगा नदी में गिर गए, साथ ही 10 से ज्यादा ड्राइवर और खलासी भी डूब गए। घटना के बारे में कटिहार के मनिहारी बीडीओ रणधीर कुमार ने बताया है कि स्टीमर पानी में नहीं डूबे हैं, लेकिन उस पर मौजूद कई ट्रक गंगा नदी में गिर गए हैं। जहां कुछ लोगों के मौत की सूचना है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। वहीं कटिहार के डीएम उदयन मिश्रा ने बताया है कि मनिहारी क्षेत्र की घटना है, जहाज पानी में नहीं डूबा है, लेकिन असंतुलित होने से 4 से 5 ट्रक का गंगा नदी में गिर गए। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में 11 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जबकि वर्तमान समय में 20 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में बीएलसी नर्सिंग की पढ़ाई चल रही है। उन्होंने बताया है कि 13 स्थानों पर 100 बेड के फील्ड अस्पताल खोले जा रहे हैं। 20 मिनट में शहरों में तथा 30 मिनट में गाँव में एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि एनडीए सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। आधुनिकीकरण के हर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने नई ऊंचाई हासिल की है। बिहार ने सिर्फ कोरोना संकट को मजबूती से झेला बल्कि विधानसभा का चुनाव भी करवाया। दोस्तों अब बात करते हैं कि कहते हैं कि मन में कुछ कर गुजरने की आस हो तो फिर हर मुश्किल को आसान से पार किया जा सकता है। जब कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हत्या के आरोप में जेल में बंद एक युवा कैदी ने। जी हां, हम बात कर रहे हैं मर्डर के मामले में जेल में बंद सूरज कुमार उर्फ कौशलेंद्र की, जिसने IIT की ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स की परीक्षा में सफलता हासिल की है। IIT रुड़की द्वारा आयोजित इस परीक्षा में उसने ऑल इंडिया में 54वीं रैंक हासिल की है। सूरज की सफलता में जेल प्रशासन का भी बड़ा योगदान है। जब विचारधीन बंदी सूरज वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के मोसमा गांव का रहने वाला है और तकरीबन एक साल से हत्या के एक मामले में बतौर आरोपी जेल में बंद है। मंडल कारा नवादा में रहते हुए इसने इस कठिन मानी जाने वाली परीक्षा की तैयारी की। जब परीक्षा की तैयारी में जेल प्रशासन ने उसकी काफी मदद की, कड़ी मेहनत और लगन से उसने जेल में रहते हुए परीक्षा
हत्या की न सिर्फ तैयारी की बल्कि अच्छी रैंक भी हासिल की है। यह सूरज हत्या के एक आरोप में अप्रैल 2021 से जेल में है। यह दरअसल नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड की मौसमा गाँव में रास्ता विवाद को लेकर के दो परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। यह अप्रैल 2021 को हुई मारपीट में संजय यादव बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। यह इलाज के लिए पटना ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई थी। तब मृतक के पिता बासो यादव ने सूरज और उसके पिता अर्जुन यादव समेत 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 19 अप्रैल 2021 को पुलिस ने सूरज समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तभी से ही सूरज जेल में बंद है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पूर्णिया जिले के बसवास की 5 कट्ठा जमीन के विवाद में पुत्र ने अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। गुरुवार को दिल को दहला देने वाली यह घटना धमदाहा थाना क्षेत्र के कवैया गांव में घटी है। मृतक की पत्नी ने अपने पुत्र पोता समेत 3 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कराया है। यह घटना के संबंध में बताया जाता है कि कवैया गांव निवासी आनंदी मंडल किसी काम से अपने घर कवैया से भवानीपुर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आकर के आरोपी पुत्र रंजीत मंडल ने बाइक को ओवरटेक करके रोका और सामने से उसके ऊपर गोली चला दी। गोली लगने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर के मृतक आनंदी मंडल की पत्नी सावित्री देवी ने अपने पुत्र रंजीत मंडल और एक पोता सहित 3 लोगों को हत्या का आरोपी बनाते हुए धमदाहा थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया है। थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया है कि मृतक की पत्नी सावित्री देवी ने जो मामला दर्ज कराया है उसके अनुसार 5 माह पहले ही दिनेश मंडल ने अपने बेटी सुलेखा देवी के नाम से बसोवास की 5 कट्ठा जमीन रजिस्टर कर दी थी। उसके बाद से ही पिता पुत्र के बीच तकरार चल रहा था। जब पुत्र ने कई बार पिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। गुरुवार को मौका देकर के बेटा ने बाप को गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 9000 नर्सों की बहाली होगी। बिहार विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग व्यवस्था बेहतर की जा रही है। इसके लिए लगातार और डॉक्टर नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली की जा रही है। अभी 9000 नर्सों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। यह 1 महीने में और 9000 नर्सों की बहाली की जाएगी। मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि अभी बिहार में 9000 नर्सों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। 1 महीने में और 9000 नर्सों की बहाली की जाएगी। जब पिछले 3 साल में बिहार में ANM और GNM के 17000 नर्सों की बहाली की है। उन्होंने बताया है कि हर तरह से मेडिकल स्टाफ की बहाली की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। दोस्तों अगर बैंक में आपका कोई भी जरूरी काम है तो फिर उसे आप जल्द से जल्द निपटा लें, क्योंकि शनिवार से लगातार 4 दिन तक बैंक में कामकाज प्रभावित होगा। जहां शनिवार और रविवार साप्ताहिक की छुट्टी की वजह से बैंक में कामकाज नहीं होगा, वहीं सोमवार और मंगलवार को बैंक यूनियन की तरफ से किए जाने वाले हड़ताल की वजह से कामकाज प्रभावित रहेगा। जहां देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि बैंक यूनियन की तरफ से किए जाने वाले हड़ताल की वजह से 28 मार्च और 29 मार्च को बैंक कामकाज प्रभावित रहेगा। आपको बता दूं कि यह हड़ताल प्राइवेटाइजेशन के विरोध में किया जा रहा है। SBI की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ग्राहकों को इस दौरान किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, या किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपको बता दूं कि इस 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन यानी कि AIBEA जैसे संगठन की तरफ से किया गया है। वहीं अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है। अप्रैल में बैंक 15 दिन बंद रहेंगे। जहां RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक बैंकिंग अवकाश अलग अलग राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों या फिर उन राज्यों में खास अवसरों की अधिसूचना पर भी निर्भर करता है। ये सभी छुट्टियां सभी राज्यों में लागू नहीं होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में बचपन से चले आ रहे एक मासूम प्यार का दुखद अंत हो गया है। कहते हैं कि प्यार की राह में आए किसी दुखद मोड़ पर जब कोई फैसला दिल से लिया जाता है तो वह अक्सर गलत निकलता है। ऐसे ही एक मोड़ पर एक गलत फैसला अंजलि ने कर लिया और उसके आत्मघाती कदम का असर ये पड़ा कि दूसरे शहर में रह रहा उसका प्रेमी भी उसी रास्ते पर चल पड़ा और दोनों की मौत हो गई। जब दोनों अलग अलग शहर में रह रहे थे, आप सोच रहे होंगे कि ये मामला आखिर है कहां का। तो मामला बिहार के मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ के पंखा टोली में अवधेश चौधरी सब परिवार रहते हैं। उनकी बेटी अंजलि जायसवाल चार्टर अकाउंटेंट यानी कि CA की तैयारी कर रही थी। जहाँ नीम चौक शंकरपुरी में रहने वाला विवेक कुमार और अंजलि बचपन से साथ पढ़ते थे। जहाँ क्लास 8वीं से चल रही इनकी दोस्ती बड़े होने के साथ साथ बड़ी होती गई और प्यार में तब्दील हो गई। 4 साल पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने विवेक राजस्थान के जयपुर चला गया था। इसके बावजूद भी दोनों लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। जब बुधवार की रात दोनों के बीच ऐसी अनबन हुई कि अंजलि ने पंखे से लटक कर जान दे दी। सुबह जब अंजलि की खुदकुशी की सूचना विवेक तक पहुंची तो वह दुख और आत्मग्लानि में ऐसा डूबा कि उसने भी जयपुर में
आठवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। पंखा टोली में अंजलि की खुदकुशी की सूचना मिलते ही काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उसने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जहां स्थानीय लोगों ने बताया है कि गुरुवार की सुबह जब अंजलि ने दरवाजा नहीं खोला तो खिड़की से उसके कमरे में झांका गया, तब लोगों को पता चला कि पंखे से लटक करके अंजलि ने जान दे दी है। जब मौके पर पहुंची पुलिस ने जब लाश को नीचे उतारा तो फिर अंजलि का पूरा बदन काला पड़ चुका था। जब पुलिस का अनुमान है कि उसने रात 1 बजे से 2 बजे के बीच फांसी लगाई होगी। जब उसकी लाश नीचे उतारी गई तो फिर उसके कान में ब्लूटूथ स्पीकर लगा हुआ था। इधर पुलिस इस मामले की तफ्तीश में लगी हुई थी कि जयपुर से अंजलि के बॉयफ्रेंड विवेक की खुदकुशी की खबर सामने आई। उसने अंजलि की मौत की खबर पाने के बाद जयपुर में 8वीं मंजिल से कूद करके जान दे दी। बताया जा रहा है कि इन दोनों अंजलि और विवेक के रिश्ते में किसी बात को लेकर के खटास आ गई थी। जब बुधवार रात इन दोनों के कॉमन फ्रेंड ने दोनों को समझाने की कोशिश की थी, जब सुलह के लिए तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान ही अंजलि और विवेक में फिर झगड़ा हो गया। जब विवेक ने फोन काट दिया और लगातार फोन करने के बाद भी उसने कॉल पिकअप नहीं की, बल्कि उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इस बात से आहत अंजलि ने देर रात खुदकुशी कर ली। अंजलि की खुदकुशी की खबर जब गुरुवार सुबह विवेक को मिली तो वह सदमे में डूब गया और उसने जयपुर में 8वीं मंजिल से कूद करके जान दे दी। दोस्तों बात करते हैं कि अपने विधायकों के पाला बदलने के बावजूद भी मुकेश सहनी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। केडीबी लाइव की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। कल वीआईपी विधायकों के पाला बदलने के बाद केडीबी लाइव ने मुकेश सहनी से बात की थी, जहां उन्होंने इस बात का संकेत दिए थे कि वह इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। जहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश सहनी ने दो टूक कह दिया है कि वह इस्तीफा नहीं देंगे, फैसला नीतीश कुमार के हाथ में है। मुकेश सहनी ने कहा है कि नीतीश कुमार का विशेष अधिकार है कि वह किसे कैबिनेट में रखते हैं और किसे नहीं। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने गेंद अब नीतीश कुमार के पाले में डाल दी है। मुकेश सहनी ने कह दिया है कि वे मंत्री पद पर रहते हुए अपने समाज और पिछड़ों का भला करते रहे हैं, वे इस सिलसिले को खत्म नहीं करना चाहते, विधायक रहे या नहीं इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही मुकेश सहनी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने मुझे अपने कैबिनेट में रखा है और अब आगे का फैसला उन्हें भी करना है। बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए मुकेश सहनी ने कहा है कि अगर बीजेपी के नेता मुझे से इस्तीफा की उम्मीद कर रहे हैं तो उन्हें ये बात शोभा नहीं देती है। जो पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी थी और किसी दूसरे दल के विधायकों को तोड़कर विधानसभा में नंबर वन बन जाए उससे नैतिकता की बात बेमानी है। दोस्तों बात करते हैं कि राज्य भर में आंगनबाड़ी केंद्रों में जहां भी गड़बड़ी पाई जाएगी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। विधायक गड़बड़ी की जानकारी देंगे तो जांच कराई जाएगी। गुरुवार को विधानसभा में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने यह घोषणा की है। जहां मदन सहनी ने 8,132 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में अनाथ हुए 55 बच्चों को वर्तमान में 1,500 रुपए प्रति माह की सहायता दी जा रही है। यह सहायता वैसे बच्चों को दी जा रही है जिसने माता पिता या फिर दोनों में किसी एक की मौत कोरोना के कारण हो गई हो। ये राशि इन बच्चों को 18 साल की उम्र तक दी जाएगी। इसके अलावा बिहार में एक परवरिश योजना भी चल रही है जिसके तहत अनाथ या फिर बेसहारा बच्चों एवं असहाय लोगों से पीड़ित या विकलांग हुए बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते हैं। जहाँ ऐसे बच्चों की संख्या 13,857 है। उन्होंने कहा है कि गरीब बेसहारा 14 बालिकाओं को बेंगलुरु में होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कराई गई है। इन सभी की प्लेसमेंट हो चुका है। इस बार भी 31 बालिकाओं को ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु भेजा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि एक दिन के ब्रेक के बाद फिर पेट्रोल डीजल के दाम शुक्रवार को बढ़ गए हैं। यह 4 दिनों में तीसरी बार इनकी कीमतें बढ़ी है। बिहार में पेट्रोलियम कंपनियों ने 82 पैसे तक का इजाफा कर दिया है। शुक्रवार 25 मार्च को पेट्रोल में 82 पैसे तो डीजल में 80 पैसे बढ़ा दिए हैं। ऐसे आम आदमी को फिर से महंगाई का झटका लगा है। पटना में शुक्रवार को पेट्रोल 107 रुपये 55 पैसे से बढ़कर के 108 रुपये 37 पैसे हो गई है। इसी तरीके से डीजल के लिए अब 92 रुपये 69 पैसे की जगह 93 रुपये 49 पैसे का भुगतान ग्राहकों को करना होगा। बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आपको बता दूं कि इससे पहले मंगलवार और बुधवार को लगातार 2 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। 22 मार्च को पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 81 पैसे महंगा हो गया। इसके अगले दिन 23 मार्च को पेट्रोल में 75 जबकि डीजल के दाम में 73 पैसे की बढ़ोतरी हो गई। इसके अगले दिन गुरुवार यानी कि 24 मार्च को कीमतें स्थिर रही, कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन शुक्रवार को फिर से कीमतें बढ़ गई है। बताया जाता है कि आने वाले समय में 10 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़ सकते हैं। दरभंगा में पेट्रोल 108 रुपए 25 पैसे और डीजल 93 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर बिक रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सड़क किनारे ट्रक या फिर ट्रैक्टर खड़ा करना महंगा पड़ेगा। अब कोई भी व्यक्ति ट्रक या फिर ट्रैक्टर सड़क किनारे खड़ा नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य महत्वपूर्ण सड़कों के किनारे बालू लदे ट्रक ट्रैक्टर खड़े करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर के कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पथ निर्माण विभाग जल्द ही सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक करके जिला स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगी जो इसको लेकर के कार्रवाई करेगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को विधान परिषद में इसको लेकर के जानकारी दी है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के फुलवारी शरीफ की नुहासा मोड़ के पास बुधवार की रात सरेआम हुई फल विक्रेता संतोष कुमार की चाकुओं से गोदकर हत्या में शामिल दो लोगों को पटना पुलिस ने 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। जहां हत्या की साजिश फल विक्रेता की पत्नी शकुंतला ने अवैध संबंध के फेर में अपने प्रेमी सद्दाम के साथ मिलकर रची थी। जब पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया है कि संतोष ने शकुंतला देवी से प्रेम विवाह किया था। जहां शकुंतला देवी पूर्व से साधुशुदा थी और उसका आचरण ठीक नहीं था। शादी के बाद शकुंतला देवी के दो बेटे हुए थे। उसके बाद शकुंतला देवी अपने पति संतोष कुमार को लेकर के फुलवारी शरीफ में किराए के मकान में रह रही थी। संतोष थाना के पास ठेले पर फल बेचता था। इस बीच शकुंतला देवी का संबंध सद्दाम से हो गया। सद्दाम संतोष के पीछे शकुंतला से मिलने घर पर आया करता था। सद्दाम ने शकुंतला के लिए जमीन भी खरीद कर दिया। जब संतोष को इस बात की भनक लगी तो फिर वो इसका विरोध करने लगा, जिसके बाद शकुंतला ने प्रेमी सद्दाम के साथ मिलकर के अपने पति संतोष की मर्डर की साजिश रच डाली। वही फुलवारी थानेदार रफी रहमान ने बताया है कि संतोष की पत्नी शकुंतला देवी और उसका प्रेमी सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार का सड़कों पर विशेष जोर है। जहां इसी के तहत नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 6000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण पथों का निर्माण कराया जाएगा। जहां ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा तैयार इन सड़कों के किनारे पौधे भी लगाए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री जयंत राज ने बुधवार को विधान परिषद में बताया है कि सड़क किनारे पौधारोपण कराया जाएगा। इसके साथ ही इन सड़कों पर अनिवार्य सड़क सुरक्षा मानकों का प्रावधान किया जाएगा। जहां 12,555 किलोमीटर लंबी 1660 सड़कों का सर्वे भी कर लिया गया है। ग्रामीण पथों का 3D इमेजिंग कैमरे के जरिए निरीक्षण कराया जाएगा। उन्होंने बताया है कि सड़कों की गुणवत्ता बेहतर रखने के लिए इंजीनियर और संवेदकों को प्रशिक्षित करने की भी योजना बनाई गई है। जहां इधर पथ निर्माण विभाग ने बिहार के 28 जिलों की सड़कें बार और भूकंपरोधी बनाने की योजना बनाई है। पथ निर्माण विभाग ने GIS मैपिंग के आधार पर इन 28 जिलों की क्रिटिकल प्रोफाइल बनाई है। विभाग ने सड़क सुरक्षा ऑडिट के लिए इन 28 जिलों को दो ग्रुपों में बांटा है। जहां ग्रुप ए में अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और किशनगंज समेत 10 जिलों को शामिल किया गया है, जबकि ग्रुप बी में भागलपुर, बांका, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया समेत 18 जिलों को लिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में सड़कों के निर्माण योजना पर तेजी के साथ काम किया जा रहा है। योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में सड़कों के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि 8 साल तक देश पर शासन करने के बावजूद भी उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए फिल्म का सहारा लेना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द कश्मीर फाइल्स पर प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए कहा था कि फिल्म ने उस पूरे परिवेश को झकझोर करके रख दिया है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिमायती होने का दावा तो करता है, लेकिन ये नहीं चाहता है कि सच्चाई बताया जाए। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि भाजपा का पूरा तंत्र देश भर में फिल्म के पोस्टर चिपकाने में व्यस्त है। उन्होंने विधानसभा में कहा है कि कुछ लोग कश्मीरी पंडितों के नाम पर करोड़ों कमा रहे हैं और भाजपा फिल्म के पोस्टर चिपका रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि हिटलर तक ने अपने साथियों को नौकरियां दी थी। मोदी ने आपको क्या दिया? केजरीवाल ने आपके लिए काम किया है। अगर आपके परिवार में कोई बीमार है तो फिर केजरीवाल आपको दवाई देते हैं, मोदी नहीं। आंखें खोलो, भाजपा छोड़ो और आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाओ। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सभी बेघरों को घर बनाने के लिए सरकार उन्हें जमीन दे रही है। इसको लेकर के बिहार सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। कई बेघरों को जमीन भी उपलब्ध कराया गया है। खबर के अनुसार बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार के सभी आवास विहीन परिवारों के लिए सरकार हर हाल में घर बनाएगी। इसके लिए बेघर लोगों को सरकार के द्वारा जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार में बेघर लोगों को आवास के लिए जमीन देने को राज्य में सीएम वास स्थल कड़ी सहायता योजना चल रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को चिन्हित करके उन्हें जमीन दिया जा रहा है। साथ ही साथ पीएम आवास योजना के तहत उन्हें घर बनाने के लिए पैसे भी दिए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अब तक कुल 3,045 लाभुकों का जमीन का निबंधन किया गया है। आवास देने में अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही साथ कई बेघरों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB ने 10वीं गणित परीक्षा पूरी कर ली है। जब परीक्षा खत्म होने के बाद 10वीं के नतीजे अब जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। 10वीं के सभी विषयों का मूल्यांकन कर लिया गया है, केवल गणित पेपर परीक्षा पूरी होने के बाद मूल्यांकन किया जाएगा। इन सब प्रक्रिया को पूरा करने के बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। रिजल्ट जल्द ही अप्रैल की शुरुआत में कभी भी आने की उम्मीद की जा सकती है। छात्र BSEB 10वीं रोल नंबर और रोल कोड डाल करके BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट bihar.online.bihar.gov.in पर बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2022 चेक कर सकते हैं। BSEB के एक अधिकारी ने बताया है कि BSEB इस महीने तक कक्षा 10 के परिणाम की घोषणा करने की कोशिश कर रहा है। परिणाम घोषणा प्रक्रिया में अप्रैल तक देरी हो सकती है, क्योंकि बोर्ड को रद्द करके गणित का पेपर आयोजित करना पड़ा है। अधिकारी ने कहा है कि बाकी पेपरों की मूल्यांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इंटर का रिजल्ट 17 मार्च को जारी किया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी में प्रेमी के साथ फरार मुखिया आज खुद घर लौट आई है। 9 मार्च को गांव के ही संजय कपूर के साथ महिला मुखिया रेखा फरार हो गई थी, जिसे लेकर के उसके पति ने थाने में पत्नी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। यह केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी, लेकिन तभी महिला मुखिया रेखा खुद घर लौट आई। जब पुलिस ने सीतामढ़ी कोर्ट में 164 का बयान दर्ज किया और मेडिकल भी कराया, जब फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। घर लौटने के बाद मुखिया रेखा देवी मीडिया के सामने भी आई और उसने बताया है कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है वह गलत है। जब वह किसी के साथ भागी नहीं है, बल्कि पति के रवैये से परेशान होकर के वह अपनी बहन के घर चली गई थी। उन्होंने बताया है कि 8 मार्च को उसके पति शराब पीकर के घर आया और उसके साथ मारपीट करने लगा। पति ने उसे हत्या की भी धमकी दी थी, जिसके बाद वह घर छोड़ करके अपनी बहन के यहाँ चली गई थी, जहाँ उसका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये सब बातें झूठी और बेबुनियाद है। महिला मुखिया ने बताया है कि उसके 3 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़े बेटे की उम्र 21 साल है। इस तरह की जो अफवाहें उड़ाई गई है वे बिल्कुल भी गलत है, ये सब उनके पति की करतूत है। आपको बता दूं कि महिला मुखिया के पति ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई थी, उसमें 3 लोगों के ऊपर अपहरण का केस दर्ज किया गया था। घटना 9 मार्च की है, जहां 38 साल की मुखिया रेखा देवी घर से सुबह तकरीबन 4 बजे टहलने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद वापस घर लौट कर नहीं आई थी, जिसके बाद मुखिया पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव के ही संजय कापर, विजय कापर और राम कापर ने उसकी पत्नी रेखा देवी का अपहरण कर लिया है। जब मुखिया पति ने आरोप लगाया था कि शादी करने के मकसद से बहला फुसला करके मुखिया का अपहरण कर लिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रन में BJP के खिलाफ किस्मत आजमाने वाले बिहार की मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को अब पार्टी नेताओं से नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। पहले BJP ने उनसे बोझा विधानसभा सीट छीन ली, इसके बाद उनके 3 विधायकों ने विकासशील इंसान पार्टी का साथ छोड़कर के BJP का दामन थाम लिया। अब VIP से BJP में शामिल हुए विधायक राजू सिंह ने गुरुवार को मुकेश सहनी पर हमला बोला है, जहां राजू सिंह ने अपनी पुरानी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को लंगूर तक बना डाला है। जब मुकेश सहनी पर तंज कसते हुए राजू सिंह ने कहा कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी चुनाव हार गए थे, मगर इसके बावजूद भी BJP ने उनको मंत्री बनाया, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि आखिर अंगूर पाने के लिए कौन लंगूर बना था। दरअसल अपनी पार्टी के 3 विधायक राजू सिंह, सुवर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव के पार्टी छोड़कर BJP में शामिल होने के बाद से ही मुकेश सहनी काफी नाराज हैं, और उन्होंने BJP में शामिल होने वाले 3 विधायकों को लेकर के गुरुवार को कहा था कि अंगूर के पीछे लंगूर तो ज्यादा ही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र में 2022-23 के लिए स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा हुई, और चर्चा के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 16,134 करोड़ का बजट पास करा लिया है। जब मंगल पांडे ने कोरोना काल में विभाग की ओर से कराए गए कार्यों की जानकारी दी है और स्वास्थ्य व्यवस्था में हुए अमूलचूल परिवर्तन के बारे में भी बताया है, और ये भी कहा है कि मिशन मोड में विभाग नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वर्तमान में 10,929 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है, लेकिन विपक्ष ने कहा है कि सरकार लाख दावा करे, स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से जो तारीफ की गई है, और स्वास्थ्य मंत्री के साथ मुख्यमंत्री को भी बधाई दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा हुई है, जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शेरो शायरी से अपने जवाब की शुरुआत की। यह भी कहा है कि 2020 से 2025 के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के तहत 7 नशे पार्ट 2 के अंतर्गत गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता के लिए हम लोग संकल्पित हैं, जब कोरोना काल में किए गए कार्यों की भी चर्चा की है।
दोस्तों बात करते हैं कि अब अगले साल से दिल्ली हाट की तरह बिहार हाट लगाया जाएगा और एक बड़े पंडाल में बिहार दिवस के सारे कार्यक्रम होंगे। इस मौके पर कई सांसद और मंत्री आमंत्रित किए जाएंगे और बिहार हाट की रौनक अलग ही होगी। ये बातें बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कही है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि देश और दुनिया में बिहार दिवस की धूम है, जहाँ दिल्ली में उद्योग विभाग ने बड़ा कार्यक्रम किया था और दिल्ली हाट का आयोजन किया था, जिसमें तमाम सांसद सहित कई मंत्री शामिल हुए थे। बिहार में शिक्षा विभाग बिहार दिवस का आयोजन कर रहा है और उद्योग विभाग के द्वारा भी उद्योग मंडप में हस्तकला, हस्तकरघा और हस्तशिल्प के कलाकार अपना लाइव प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार का नाम रोशन करने वाले कलाकारों के द्वारा उद्योग मंडप की शोभा बढ़ाई जा रही है। उद्योग मंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली हाट का आयोजन किया गया है, अगले साल से दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार हाट लगाया जाएगा और एक बड़े पंडाल में बिहार दिवस के सारे कार्यक्रम होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि पश्चिमी चंपारण में एक शिक्षक ने कोचिंग की छात्रा की मांग में सिंदूर भरकर के शादी रचाई। गुरु और शिष्य की अंतरजातीय शादी देखने के लिए कई लोग मौके पर पहुंच गए। यह शिक्षक ब्राह्मण जाति से हैं, जबकि छात्रा महादलित समाज से आती है। बीच समाज के सामने कोचिंग के शिक्षक ने छात्रा की मांग भर दी। ऐसे में एक बार फिर से गुरु और शिष्य का पवित्र रिश्ता शर्मसार हो गया। बताया जाता है कि पूर्वी चंपारण की फुलवाड़ी पंचायत निवासी योगेंद्र पांडे के पुत्र साहेब पांडे। दोस्तों बात करते हैं कि आधी रात को अपने दोस्त के संग फिल्म देखकर लौट रही महिला डॉक्टर से ऑटो ड्राइवर और चार लोगों द्वारा सामूहिक गलत काम किए जाने का मामला सामने आया है। इस दौरान डॉक्टर के साथ मौजूद दोस्त से भी मारपीट की गई। जब मामला सामने आने के बाद विधानसभा में इसको लेकर के सवाल उठाए गए, जिसमें CMSK स्टालिन ने सदन को बताया है कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने सदन को आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की गई है और दोषियों को दंडित किया जाएगा। दरअसल इस घटना में शिकार महिला डॉक्टर बिहार की रहने वाली है, जो तमिलनाडु के वेल्लोर में रहती है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता घटना के दिन अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर के घर लौट रही थी, जहां आधी रात को फिल्म खत्म होने के बाद दोनों थिएटर के सामने ऑटो के लिए खड़े थे, जहां तभी ऑटो वाला आया, जहां ऑटो में एक ड्राइवर और चार लोग पहले से ही सवार थे। जब पीड़िता के मुताबिक उन्होंने ड्राइवर से अस्पताल की तरफ चलने को कहा, जब कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने रास्ता बदल दिया और रफ्तार भी बढ़ा दी। जब पीड़िता ने ड्राइवर से पूछा कि रास्ता क्यों बदला, तो इस ड्राइवर ने कहा कि रात में रास्ता बंद हो जाता है। इसके बाद ऑटो को रास्ते में शमशान घाट के पास एक सुनसान जगह पर रोक दिया। इसके बाद चारों लड़कों और ऑटो ड्राइवर ने लड़की और उसके दोस्त के साथ मारपीट की, फिर बारी बारी से लड़की के साथ गलत काम किया। इसके बाद वे डर करके घटना के बाद बिहार चली आई। जब वेल्लोर पुलिस अधीक्षक राजेश कन्नन के पास डॉक्टर ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर दिया गया है। आरोपियों ने लड़की के साथ लूटपाट भी की थी। उसने 40,000 रुपए नकद और सोने की चैन छीली थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान में तेजी से इजाफा हो रहा है, जहां बढ़ता तापमान मार्च के महीने में ही लोगों को सताने लगा है। बिहार की बात करें तो यहां मार्च के अधिकतम तापमान ने बीते 11 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह पिछले 24 घंटे में बिहार की राजधानी पटना सबसे गर्म प्रदेश रहा। यहां कल अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री दर्ज किया गया। अगर मार्च 2010 की बात करें तो राजधानी का तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जहां मौसम विभाग के मुताबिक बिहार का पारा बहुत जल्द 41 डिग्री सेल्सियस के पार होने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा, जहां मौसम में अभी कोई भी उल्लेखनीय बदलाव के आसार नहीं है। आने वाले 2 दिनों तक बिहार के अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। जब बिहार के लोगों को इस बार मार्च महीने में सामान्य से अधिक गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जहां सुबह से लेकर के शाम तक चिलचिलाती धूप के कारण लोग घरों से कम निकल रहे हैं। आवश्यक कार्य पड़ने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, जहां दोपहर में तापमान अधिक होने से सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, जहां लोग अभी से ही की वजह से परेशान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान है कि लोगों को आने वाले कुछ दिनों तक उमस भरी गर्मी से निजात नहीं मिलने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार की मोतिहारी और मुंगेर में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जहां इसकी जानकारी खुद बिहार विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार के सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधुबनी, पूर्णिया, समस्तीपुर, सीवान, सारण, छपरा, बक्सर, जमुई, बेगूसराय, महुआ और आरा में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की जा रही है। बहुत जल्द मोतिहारी और मुंगेर में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। आपको बता दूं कि मोतिहारी और मुंगेर में 2022-23 में 2 नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोलने को लेकर के सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। बहुत जल्द यहां मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया जाएगा। इस कॉलेज में MBBS की 150-150 सीटें होगी।
दोस्तों अब बात करते हैं कि कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स लगातार कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है। गुरुवार को द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और फिल्म की कमाई अभी भी जारी है। हालांकि कमाई के साथ साथ फिल्म को लेकर के विवाद भी लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी नियाज खान ने ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि एक फिल्म देश में मुसलमानों की पीड़ा पर बननी चाहिए। इस मामले को लेकर के अब मध्य प्रदेश सरकार ने IAS अधिकारी नियाज खान पर एक्शन ले लिया है। जब मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को IAS अधिकारी नियाज खान के ट्वीट को लेकर के उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। नियाज खान पर यह कार्रवाई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर के किए गए उनके ट्वीट की वजह से की गई है। जब सरकार ने नियाज खान से कहा है कि वे 7 दिनों के भीतर इस मामले में अपना जवाब दाखिल करें। IAS अधिकारी नियाज खान ने द कश्मीर फाइल्स पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाती है, उन्हें पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ कश्मीर में फिर से बसाया जाना चाहिए। इसके साथ ही फिल्म के निर्माताओं को देश के अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में हो रहे मुसलमानों की हत्याओं को दिखाने के लिए भी एक फिल्म बनानी चाहिए। मुसलमान कोई कीड़े मकोड़े नहीं है बल्कि वे भी इंसान है और देश के नागरिक है। मैं मुसलमानों की हत्याओं को दिखाने के लिए एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ ताकि कुछ निर्माता कश्मीर फाइल्स जैसे फिल्म बना सके और जिसमें अल्पसंख्यकों के यानी कि मुसलमानों के दर्द और पीड़ा को भारतीयों के सामने लाया जा सके। नियाज खान ने एक और अन्य ट्वीट में लिखा है कि द कश्मीर फाइल्स की कमाई 100 करोड़ों से पार हो चुकी है। यह अच्छी बात है, लोगों ने कश्मीरी पंडितों की भावनाओं का बहुत ही सम्मान किया है। मैं फिल्म निर्माता का सम्मान करते हुए अपील करता हूँ कि वे द कश्मीर फाइल्स की सारी कमाई कश्मीरी पंडितों के बच्चों की शिक्षा और कश्मीर में उनके लिए घरों के निर्माण के लिए ट्रांसफर करें। ये एक महान दान होगा। दोस्तों बात करते हैं कि इन दिनों ऑनलाइन बैंकिंग और ट्रांजेक्शन का काफ़ी चलन है। जहाँ छोटी छोटी दुकानों पर भी आपको QR कोड स्कैनर लगे दिख जाएंगे। इन सुविधाओं ने एक ओर जहां लोगों के बैंक से जुड़े काम आसान किए हैं तो वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। जहाँ पिछले कुछ साल में QR कोड से भी फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। QR कोड फ्रॉड के बढ़ते मामले को देखते हुए देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों को अलर्ट किया है। जब बैंक ने कहा है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति की तरफ से कोई QR कोड मिलता है तो फिर उसे भूल से भी स्कैन ना करें, ऐसा करने से आप एक झटके में कंगाल हो सकते हैं। SBI ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत लोगों को वित्तीय मामलों में शिक्षित बनाने की मुहिम शुरू की है। इसी मुहिम के तहत SBI ने गुरुवार को ट्वीट किया है कि QR कोड स्कैन करें और पैसे पाएं। ये रॉन्ग नंबर है। QR कोड स्कैम से सावधान रहें। स्कैन करने से पहले सोचें, अनजान और अनवेरिफाइड QR कोड स्कैन नहीं करें। सावधान रहें और SBI के साथ सुरक्षित बने रहें। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डेटा रखना और फिर उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए ई श्रम कार्ड शुरू किया था। इस कार्ड के जरिए कुछ राज्य सरकार श्रमिकों के अकाउंट में 500 रुपये महीने जमा कर रही है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद भी बहुत से लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह आपके रजिस्ट्रेशन का रिजेक्ट होना होता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कई बार रिजेक्ट हो गया है तो इसकी वजह को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय आप कोई ना कोई गलती कर जरूर करते होंगे जिस वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। आधार संख्या, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और बैंक खाता संख्या होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का ई श्रम पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। अगर अपलोड करते वक्त किसी तरीके से गलती करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में आपका आवेदन कैंसिल हो सकता है। ई श्रम कार्ड का आवेदन रिजेक्ट होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह हो सकती है कि आप पहले से ही किसी श्रम मंत्रालय की योजना के लाभार्थी हैं। आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय की योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति ई श्रम कार्ड का फायदा नहीं ले सकती हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपका आवेदन कैंसिल कर दिया जाएगा। कई बार देखने में आया है कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी भी ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन करते हैं। ऐसे में कर्मचारियों को आवेदन निरस्त कर दिया जाता है क्योंकि ई श्रम कार्ड योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सरकारी पेंशन भोगी है तो फिर उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। जब पेंशन भोगी अगर इस स्कीम में आवेदन करते हैं तो फिर उनका आवेदन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इस महीने के अंत तक सरकार ई श्रम कार्ड धारकों के लिए अगली किस्त जारी करने वाली है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में गर्मी बढ़ते ही बच्चे कई तरह की बीमारियों की शिकार होने लगे हैं। इन दिनों ओपीडी में जॉन्डिस, तेज बुखार और डायरिया से पीड़ित अधिक बच्चे आ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में केजरीवाल अस्पताल में औसतन 600 और SKMCH में 800 से अधिक बच्चे का ओपीडी में रोज इलाज हो रहा है, जो 1 महीने पहले के मरीजों की अपेक्षा दोगुनी है। जहां इसके अलावा शिशु रोग विशेषज्ञों के क्लिनिकों में भी बीमार बच्चों की भीड़ बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी में संक्रमण का प्रसार अधिक होता है, बच्चों के खान पान पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है, इस कारण बच्चे अधिक बीमार होते हैं। जहाँ गर्मी और उमस के कारण बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक प्रभावित होती है। गंदे पानी और भोजन का सेवन करने से बच्चे जॉन्डिस और डायरिया के शिकार हो रहे हैं, तो धूप में निकलने और फिर गर्मी लगने पर कूलर और एसी में बैठने से उन्हें बुखार हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी में बच्चों का विशेष ख्याल रखना जरूरी है ताकि वे संक्रमण से बच सके। इन दिनों बच्चों में जॉन्डिस, तेज बुखार और डायरिया का प्रकोप बढ़ गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहां तक, कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।